हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका जैन है। आज मैं आपको बाल के झड़ने और बालों से जुड़ी अन्य समस्याओं के कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगी। आज के समय में बालों का झड़ना या असमय सफ़ेदी या बालों में रूसी एक आम समस्या है। बाल गिरने और टूटने का सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती लाइफस्टाइल और खान पान है। इसके अलावा बालों की सही तरीके से देखभाल ना करने से भी बाल झड़ने लगते हैं। मौसम के बदलने से या जगह बदलने की वजह से भी कुछ लोगों के बाल थोड़े बहुत गिरते हैं, पर अगर बालों का झड़ना सामान्य से अधिक हो तो यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को आप घर पर ही कुछ आसान से आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों को अपनाकर दूर कर सकते हैं। जैतून के तेल को हल्का गर्म कर लें और इसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर लेप बना लें। नहाने से 15 मिनट पहले इसे बालों पर लगा लें। इस नुस्खे से बाल गिरना बंद हो जाएगा। अगर बालों में डैंड्रफ है और बाल झड़ते हैं तो कच्चे पपीते का लेप 10 से 15 मिनट के लिए सर पर लगाएं। मेहंदी में भरपूर पोषक तत्व होते हैं जो बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मेहंदी को अंडे में मिलाकर लगाने से बहुत फायदा होता है। शहद से भी हेयर फॉल रोका जा सकता है। एक चम्मच शहद में एक चम्मच नींबू रस मिलाकर बालों पर लगा लें और आधे घंटे बाद धो लें। यह उपाय हफ्ते में एक बार करने से बालों का गिरना कम हो जाएगा। शहद में दालचीनी मिलाकर लगाने से बालों का झड़ना बंद होता है। इसके अलावा दूध या दही में थोड़ा बेसन मिलाकर घोल बना लें और इससे बालों को धोएं। इससे बालों में चमक आएगी और बालों का गिरना भी बंद होगा। बहुत से लोगों को बाल झड़ने की शिकायत गलत खान पान के कारण होती है। इसके लिए तले हुए और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। मसालेदार खाने में पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे खाने से हमारे शरीर को कैल्शियम, आयरन, जिंक, प्रोटीन और विटामिन्स नहीं मिल पाते, जो स्वस्थ बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हरी सब्जियां, फल, सूखे मेवे, अंडे और दूध का सेवन करना चाहिए। दही का प्रयोग झड़ते बालों को रोकने का बहुत अच्छा उपाय है। इससे बालों को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। बालों को धोने से आधे घंटे पहले बालों में अच्छी तरह दही को लगा लें और जब यह सूख जाए तब धो लें। दही में थोड़ा नींबू का रस भी मिलाकर लगा सकते हैं। नींबू का रस और दही को मिलाकर एक लेप बना लें और नहाने से पहले बालों पर लगा लें। लेप लगाने के आधे घंटे बाद बाल को धो लें। इस उपाय से भी बालों का झड़ना कम हो जाएगा। कई बार हमारे शरीर में रक्त का संचार ठीक से ना होने पर बालों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिस कारण बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं। रक्त का संचार ठीक रखने के लिए योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे सिर के उन छिद्रों तक पोषक तत्व पहुँचते हैं जहाँ बाल उगते हैं। इसके अलावा बालों में अंडा लगाने से भी बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। बाल धोने से एक घंटा पहले अंडा लगाएं, फिर इन्हें धो लें। बालों को गिरने से रोकने के लिए और स्वस्थ बनाने के लिए पानी बहुत पीना चाहिए। पानी हमारा वजन कम करने में भी मदद करता है। बालों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। ये बालों को बढ़ने में मदद करता है। विटामिन डी के लिए अक्सर हम दवाओं का सेवन करते हैं, जबकि सूरज की किरणों में विटामिन डी भरपूर होता है। रोजाना 15 मिनट के लिए सूर्य की किरणें अपने शरीर पर पड़ने दें तो आपको रोजाना की जरूरी खुराक मिल जाएगी। गर्मी अधिक हो और धूप तेज हो तो ये आपकी त्वचा को नुकसान कर सकती है, इसीलिए सुबह और शाम को ही सूरज की किरणों का फायदा लें। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। जैसे आलू में विटामिन ए, बी, सी होते हैं जो कि बालों के लिए ज़रूरी होते हैं। आलू का रस निकालकर 15 मिनट तक बालों में लगाकर रखें,
फिर इसे धो लें। इससे बालों को मजबूती मिलती है। आंवला बालों के लिए बहुत ही उत्तम होता है, जो कि बालों का झड़ना भी कम करता है और आपको देता है लंबे काले घने बाल। रोजाना आंवले का रस बालों में 20 मिनट लगाकर रखें और फिर पानी से या शैम्पू से धो लें। पर बाजार से कोई भी सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से पहले यह देख लें कि उसमें आंवला तो नहीं है। रासायनिक पदार्थों के साथ आंवले का उपयोग ना करें। गुड़हल का फूल बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। नारियल और शीशम के तेल में गुड़हल के फूल का घोल मिलाएं और बालों की ग्रोथ के लिए बालों में 15 मिनट तक लगाकर फिर बालों को धो लें। मेहंदी में एक अंडा, चाय पत्ती का पानी, दही और नींबू को मिलाकर एक लोहे के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दें। अगले दिन बालों में 1 घंटे तक लगाकर रखें। सूखने पर पानी से धो लें। तनाव के कारण भी बाल कम और सफ़ेद होते हैं, इसीलिए इन सब से बचने के लिए कोशिश करें कि तनाव रहित रहें। तनाव से दूर रहने के लिए योगा, कसरत, ध्यान आदि कर सकते हैं। जैतून का तेल खाने के काम तो आता ही है, यह त्वचा और बालों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। यह बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और मुलायम भी बनाता है। एक छोटे पात्र में जैतून का तेल गर्म करें तथा इसे बालों की जड़ तक अच्छे से लगाएं। मालिश करने के बाद 3 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद शैम्पू से बालों को धो लें। इससे बालों का घनत्व बढ़ेगा। कैस्टर ऑयल यह एक बहुत ही चिपचिपा तेल होता है, जिसकी गंध शायद आपको पसंद ना आए, पर ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि बालों को घना करने के लिए यह सबसे बेहतरीन तेल है। दूसरे तेलों के मुकाबले यह तेल चिपचिपा होता है, जिससे कि बालों में अच्छे से लग जाता है और बालों का टूटना रोक देता है। इस तेल में फैटी एसिड एवं विटामिन ई के गुण होते हैं, जो बालों को बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगर आपको लगता है कि यह तेल ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा है, तो इसमें नारियल का तेल मिलाकर इसे गर्म करें। अब इसे बालों की जड़ों तक लगाएं। घने बाल पाने के लिए बालों पर गोलाकार मुद्रा में मालिश करें, जिससे आपके बालों की आयु और बढ़ जाती है। प्याज का रस लगाना एक ऐसी विधि है, जिससे कि आप घर बैठे अपने बाल घने कर सकते हैं। प्याज के रस में सल्फर होता है, जो सिर के तंतुओं में कोलेजन की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करता है, जिससे बाल बढ़ने में सहायता मिलती है। प्याज को किसकर इसका रस निकालकर बालों की जड़ों में लगाएं। इसे 15 मिनट तक रखकर फिर धो लें। नारियल के तेल को रात को बालों की जड़ों में अच्छी तरह से मालिश करें और सवेरे धो लें। तेल में विटामिन ई के कैप्सूल भी फोड़कर डाल सकते हैं। इसके अलावा धूम्रपान करना और शराब पीना हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे हमारे शरीर में विषैले तत्व पैदा होते हैं, जो हमें और हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप अपने शरीर और बालों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो सिगरेट और शराब से परहेज करें। मैं राधिका जैन आपकी अच्छी सेहत की कामना करती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो मेरे हेल्थ टिप्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।